MDKit 2023 ETA UHSN Balochistan and everywhere. Now you can prepare your MDKit from Maqsad app. यहाँ पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा, you can see biology, chemistry, physics, English, logical reasoning, और इन सब के अंदर क्या क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों के पास चैप्टर वाइज टेस्ट है और फिर उसकी ग्रैंड टेस्ट है. सिमिलरली ग्रैंड टेस्ट के अलावा उसमें आपके पास PMC बंडल, 5 पेपर्स और हर एक में आपसे टेस्ट लिया जाएगा. After completing your practice test, you will be given your result at the same time or MCQs भी explain होंगे. Use Dr. Sam as your promo code and get 2000 discount, 5000 only. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम. देखिए जी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स की रजिस्ट्रेशन 2023 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी आप लोगों को पूरी की पूरी जो जितनी भी डिटेल्स हैं अबाउट एडमिशन वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. देखिए जी, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि नम्स जो है ये किन मेडिकल कॉलेजेस के लिए कंडक्ट होता है, ठीक है. ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट्स जो है वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है इस चीज़ के ऊपर वेस्ट कर देते हैं. तो आप लोग देखें कि सबसे पहले आप लोग के पास इसमें दो किस्म के मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक है पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है, और दूसरा है प्राइवेट. लेकिन पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के खर्चे पे चलते हैं, ठीक है, सरकारी जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसमें दो ही हैं. एक है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, ठीक है, और उसका दूसरा जो डेंटल सेक्शन है, डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी. और इन दोनों की सीट्स जो है तकरीबन 56 सीट्स जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में है और डेंटल सेक्शन में 15 आर समथिंग सीट्स है. तो आपकी पूरी की पूरी जितनी भी है तकरीबन 60-70 सीट्स बनते हैं, ठीक है, जो सरकारी खर्चे पर आप लोगों को एडमिशन मिलेंगे. बाकी जितनी भी है नम्स जो है वो हमारे पास प्राइवेट के लिए हैं, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपका FAC इतना स्ट्रांग नहीं है और आप जो है 60-70 सीट्स पे आप कंपीट नहीं कर सकते, तो फिर आप जो इसके लिए अप्लाई कभी भी ना करें, क्योंकि इसकी मेरिट जो है पब्लिक सेक्टर की स्पेशली मैं बात करूँ, जो सरकारी वाली है, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी है, तो इसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है. बाकी अगर आप प्राइवेट के लिए ख्वाहिशमंद है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. उसमें आप लोग देख रहे जो पूरे लिस्ट है ना, अगर एक एक में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी, CMH और बहुत ज़्यादा CMH मुल्तान, फिजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फिजाइया, तो ये बाकी जितनी भी है, ठीक है, वहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ कैंट में है, तो ये जितनी भी आप लोगों के पास है ये सारे के सारे प्राइवेट है. और इसके जो खर्चा है या जो एक्सपेंसेस वो तकरीबन लास्ट ईयर जो मैंने स्टूडेंट्स को बताई थी तो 14 लाख से लेकर 20 लाख तक इसके अंदर मौजूद है, ठीक है. अब नया शेड्यूल आएगा फी का तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर मेंटली आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहें कि 14 लाख से लेकर 20 लाख तक आप लोगों का खर्चा आ सकता है, जबकि इसमें जो पब्लिक सरकारी है तो वो तो नॉर्मली 40,000 उसमें आ जाता है, वो इतना खास वो नहीं है, वो सरकार के खर्चे पर चलता है, ठीक है. तो ये नम्स के मेडिकल कॉलेजेस हैं. अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि हमारे पास इसकी जो प्रॉपर शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग देख सकते हैं वो मंडे को स्टार्ट हो जाएगा 3 जुलाई को, ठीक है. उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कब ख़त्म होगा तो 24 जुलाई को, मतलब 3 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्री टेस्ट विद लेट फी जो है वो आप लोग का 4 अगस्त तक है, तो मतलब 4 अगस्त तक आप कर सकते हैं, लेकिन लेट फी जो है फिर आपके ऊपर आएगा 24 जुलाई के बाद, ठीक हो गया. अब एग्ज़ाम जो है MDKit नम्स, ठीक है, नम्स 2023 जो है वो कंडक्ट किया जाएगा संडे को 3 सितंबर, ठीक है. जो MDKit फॉर अदर्स हैं, मतलब UHS MDKit जो है या ईटा MDKit या वगैरह, उनकी जो प्रपोज डेट्स है तो वो तो 27 अगस्त है, लेकिन इसका जो कंडक्ट करने के लिए दिया गया है वो 3 सितंबर है, तो तकरीबन एक हफ्ता इन दोनों के दरमियान में आप लोगों के पास है. अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी फॉर एग्जाम सेंटर इन पाकिस्तान जो है वो 4,200 रुपये, ठीक है. ये पाकिस्तान में अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर लेट रजिस्ट्रेशन आपका आ जाएगा तो लेट रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर आपका 5,000 तक आएगा, ठीक है. अगर 24 जुलाई के बाद आप करेंगे तो फिर आपका 5,000 आपने जमा करना होगा. रजिस्ट्रेशन फी फॉर इंटरनेशनल एग्जाम सेंटर जो है वो तो डॉलर्स में है, तो $100 जो है उसका फी है. अगर लेट आ जाएगा इंटरनेशनल वाले स्टूडेंट्स तो $120 है. द टेस्ट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली एट ऑल द लोकल सेंटर्स, ठीक हो गया, तो वो तो आसान बात है. अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है तो वो तो बिल्कुल सिंपल है, बेसिक आप लोगों का FAC पास होना चाहिए, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँगा, ठीक है. MDKit जो 3 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा एंड इट्स वैलिड फॉर एडमिशन इन MBBS BDS 2023 एंड 2024. मतलब ये कि अगर आप लोग इस साल नम्स दे रहे हैं तो इस साल की एडमिशन के लिए ही ये वैलिड होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ये वैलिड नहीं होगा, ठीक हो गया. अच्छा जी, अब हमारे पास इसके डिफरेंट सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स आप लोग अपने हिसाब से फिर आप लोग चूज़ कर सकते हैं. इसमें इस्लामाबाद में भी है, पंजाब में भी डिफरेंट आप लोग देख सकते हैं, सिंध में भी है, KPK में, एबटाबाद भी है, खान पेशावर में है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी, मुजफ्फ़राबाद में है, आप लोग के पास बलोचिस्तान में क्वेटा के अंदर सेंटर है, और इंटरनेशनल जो है वो UAE है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, USA है, एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है. तो ये इन ममालिक में आप लोग टेस्ट दे सकते हैं. साथ साथ में जो प्रोविंसेस का था वो भी मैंने आप लोग को बता दिया कि कराची, हैदराबाद, डिफरेंट 4 सिटीज़ के सेंटर आप लोग देख सकते हैं.
अच्छा जी, अब हमारे पास चॉइस ऑफ लोकल सेंटर, वो आप लोग कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट एनी ऑफ द टू, अगर जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट करें, जो दूसरा करीब है तो फिर दो दूसरा आप लोग सेलेक्ट करें। सपोज अगर एक स्टूडेंट है और वो पिशावर में रहता है तो सबसे पहले वो पिशावर सेलेक्ट करें, उसके बाद दूसरा करीब जो है एबटाबाद है तो एबटाबाद सेलेक्ट करें, ठीक है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट सिंध वाला है और वो कराची में रहे तो कराची सेलेक्ट करें, अगर कराची सेलेक्ट किया है तो दूसरे नंबर पर अपना दूसरा करीबी जो शहर है हैदराबाद वो सेलेक्ट करें। तो ऐसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पैटर्न की बात होती है कि किस पैटर्न का होगा नम्स 2023। अच्छा जी, तो पैटर्न में आप लोग देखें कि नम्स जो है उसमें आप लोग के पास दो कंपोनेंट्स है, एक है पार्ट ए 95% जो है वो होगा और पार्ट बी जो है वो ओनली 5% होगा। तो पार्ट ए में आप लोगों के कंसिस्ट होंगे 150 क्वेश्चन पे, ठीक है, और वो मल्टीपल चॉइस होंगे, आपने एक क्वेश्चन आंसर जो है वो सेलेक्ट करना होगा। अब इसमें क्या है, आप लोग के पास बायोलॉजी का 35% MCQs है, केमिस्ट्री 25, फिजिक्स 25% एंड इंग्लिश 10%, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो बायोलॉजी की है। अब पार्ट बी जो है उसमें आप लोगों के पास ओनली 5% वेटेज है उसका, और शेल कंसिस्ट ऑफ 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन वैसे मिलते हैं 30 मिनट्स। अच्छा जी, और इसकी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा जो पार्ट ए है मेनली 95%, तो वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना होता है क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरिट इसका जो पब्लिक सेक्टर के लिए बनता है बहुत हाई होता है। सिलेबस जो है वो आप लोग के पास मौजूद है www.nums.pak.education.pk, ठीक है, नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास होता भी है, आप लोग किसी से भी मांग ले वो आप लोगों को दे देगा। अब अप्लाई आप लोगों ने कैसे करनी है तो वो भी आप लोगों ने सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है, सिंपली आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाना है। लेकिन आप लोग एक एहतियात करें कि आप लोग प्लीज़ अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो यूज़ करें, मोबाइल में जो है वो चीज़ एक्चुअली जो पेज होता है अप्लाई का वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है मोबाइल यूज़ ना करें। मोबाइल में भी कुछ एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो मतलब डेस्कटॉप वर्जन पे या उस पे अप्लाई करते हैं, सो आई थिंक वो काम करते हैं। लेकिन अच्छा तरीका ये कि आप लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह नो इशू विल बी देयर, कुछ भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।